Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Color Palette of Life. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि कुछ रोड्स ब्लॉक किए हुए थे मैच वगैरह की वजह से. खैर, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था कि आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो 8 वीडियो को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे. तो जी हाँ, बिल्कुल ये है 8 वीडियो पार्ट 2. अच्छा, तो हम आए थे फजल एंड सन्स जो कि है मशरिक सेंटर में. जी हाँ, मशरिक सेंटर की मशहूर तरीन आर्ट शॉप है ये, और यहाँ पे आपको हर किस्म का आर्ट मटेरियल अवेलेबल है. हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है. इस शॉप के जो ओनर हैं सलीम भाई, वो ख़ुद भी एक आर्टिस्ट हैं, और जो यहाँ डील करने के लिए लोग हैं सेल पर्सन, वो भी बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे प्राइसेस के अंदर ये आपको दे देते हैं जो भी आपको चाहिए होता है. तो आप ज़रा देख सकते हैं ओवरऑल शॉप का लुक के यहाँ पे कितना ज़्यादा मटेरियल है. मतलब हर चीज़, चाहे वो ऑयल पेंट्स हों चाहे एक्रेलिक हों, जो चीज़ आपको चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं आसानी से. साथ साथ कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ख़त नस लिखने के लिए ये जो बारीक ईरानी कलम है कहाँ से मिलते हैं. तो भाई ये यहाँ से मिलते हैं, जो छोटे ख़त हैं वो इसी से लिखे जाते हैं कैलीग्राफी के अंदर. और यहाँ आगे मैं आपको दिखा रही हूँ वाटर कलर पैलेट्स हर साइज़ की, हर ब्रांड की, और साथ साथ इन पर प्राइस भी मेंशन है. लेकिन इन्होंने कहा था कि आप अपनी वीडियो में ये ज़रूर बताइएगा कि जब मार्केट के अंदर चीज़ों के पैसे बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो इन चीज़ों के पैसे भी बढ़ जाते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब यहाँ आएँ तो आपको कुछ चीज़ों के पैसे बढ़े हुए मिलें. फ़िलहाल के लिए तो ये रेट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा दूँगी. इनके ऊपर मेंशन हुए हैं, जो स्टिकर्स लगे हुए हैं इस पर रेट्स लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे विंजर एंड न्यूटन की ब्रांड अवेलेबल है, डेलर राउनी है, इसके अलावा सकूरा के कलर्स हैं, लीफ फ्रांस के हैं, विंजर न्यूटन दोबारा आ गए, और कोई के कलर हैं, ये भी सकूरा के ही हैं. कुछ चाइनीज़ ब्रांड के कलर भी अवेलेबल हैं इनके पास, जैसे कीप स्माइलिंग वगैरह हैं. और ये मूंगियों की कलर पैलेट्स हैं, बड़ी भी है और छोटी भी है, आप जो जिस लिहाज से लेना चाहते हैं. ये टीटी के वाटर कलर्स हैं, ये देख सकते हैं आप इसका पैकेट. और ये है सकूरा के वाटर कलर, इनके प्राइस थे 850, सामने मेंशन नहीं हुए हुए इसलिए मैंने बता दिए 890 या 850. तो ये कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. अगर मुझसे कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेंड पूछता है कि कौन से वाटर कलर स्टूडेंट ग्रेड के लिए अच्छे हैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए, तो ये कलर बहुत ही अच्छे हैं अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं. साथ साथ ये मैरीज़ के गौश कलर्स हैं. आजकल गौश पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लोग बना बना के डाल रहे हैं, तो उनके लिए हैं ये कलर्स. और यहाँ पे विंजर न्यूटन की बड़ी पैलेट्स हैं, ये 9500 की पैलेट है, और ये इसमें मेरे ख़्याल से 48 कलर्स वाली पैलेट है ये. इसके अलावा यहाँ पे तमाम मार्कर, कट पेंस, फैदर, फैशन डिज़ाइनिंग का सामान, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का सारा सामान, हर किस्म के स्प्रे पेंट्स, मतलब आर्ट रिलेटेड हर सामान यहाँ पे अवेलेबल है. अगर आप एप्रॉक्सी का कोई काम करना चाहते हैं तो इनके पास मोल्ड भी अवेलेबल है, और जो उससे रिलेटेड सामान होता है वो भी इनके पास अवेलेबल है. यहाँ मैंने आपको इनका कार्ड दिखा दिया है, इस पेन का नंबर मेंशन है और साथ साथ एड्रेस भी मेंशन है. स्टेडियम रोड कराची, बिल्कुल कराची की एक मेन शाहरा है, उसके ऊपर ये वाकया है मशरिक सेंटर. यूनाइटेड किंग और केएसए के अपोजिट वाला जो साइड है उस पर है मशरिक सेंटर. आपको सामने बहुत सारी शॉप्स बनी हुई दिख जाएंगी और लिखा हुआ भी है मशरिक सेंटर, बाहर बोर्ड लगा हुआ है. ये इनका दूसरा कार्ड है, मैंने आपको ये भी दिखा दिया है. साथ साथ इनके पास विंजर न्यूटन के गौश कलर भी अवेलेबल थे. मुझे नहीं पता था कि इनके पास ये कलर अवेलेबल हैं, क्योंकि इनसे पहले मैं मैरीज़ के लेके जा चुकी हूँ, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है. लेकिन अगर मुझे इनका पता होता तो मैं ये ज़रूर ट्राई करती, क्योंकि ऐसा ही हम जो है ना चीज़ों को देखते हैं ऐसे ही, तो हमें इम्प्रूवमेंट आती रहती है हाथ के अंदर. और यहाँ पे इनके पास वाटर कलर अवेलेबल है, मेटैलिक वाटर कलर. तो मेरे पास ये गोल्ड वाली पैलेट ऑलरेडी मौजूद है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है. 1450 की ये एक पैलेट है जिसके अंदर 5 कलर्स आपको अवेलेबल हैं, अलग अलग शेड्स हैं गोल्ड के, और कुछ ये वाटर कलर कलरफुल वाले हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, ये भी 1450 की है. इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है हर किस्म की शीट, और ये देख सकते हैं ये वुड टेक्सचर वाली शीट है, मतलब वुड प्रिंटेड जैसे वुड होती है, इस तरह से इस पे शीट के ऊपर टेक्सचर दिया गया है. और साथ साथ हर रंग की हार्ड शीट अवेलेबल है, सॉफ्ट शीट अवेलेबल है, कार्ड शीट भी बोलते हैं इसको,
DIYs में इस्तेमाल होती है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होती है, यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी तमाम सामान अवेलेबल है, हर साइज़ के और हर शेप के कैनवास भी हैं यहाँ पे, राउंड कैनवास भी हैं हर साइज़ के, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे रखे हुए हैं, बड़े साइज़ के राउंड कैनवास हैं। इसके अलावा इनके कैनवास का जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मैं खुद इनकी शॉप का सामान यूज़ करती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ सही नहीं है, तो मैं कभी भी कोई गलत चीज़ ना ही प्रमोट करूँगी ना ही बताऊँगी। और दूसरी बात यह है कि ये पेड वीडियो नहीं है, इनकी दुकान पे मैं हमेशा से जाती हूँ और सामान लेती हूँ जब से मुझे पता लगा है, तो इसलिए मैं इनकी दुकान आपको दिखाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फेलो आर्टिस्ट मुझसे ये सवाल लाजमी पूछते हैं कि भाई ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो ये चीज़ें इनकी दुकान पे अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं फेदर्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनकी शॉप पे हर किस्म के आपको ब्रशेस मिल जाएंगे, आपके पास इनके पास आपको विंसर न्यूटन के ब्रशेस भी मिल जाएंगे, ब्रांडेड ब्रशेस जो होते हैं, कट मार्कर, कैलीग्राफी पेन्स वगैरह, हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। उसके अलावा इनके पास हर किस्म की स्केच बुक, आर्ट बुक भी है अवेलेबल, और स्कल्पचर का सामान भी अवेलेबल है, ये देखें फॉर्मिक शीट्स हैं, ये हर कलर की हैं और हर साइज़ की हैं इनके पास। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोहे का ब्रिज बना हुआ है मस्टिक सेंटर पे, उससे आपने बस ये पहली जो आप गेट लेंगे, पहली जो गली लेंगे, तो बस सामने आपको एक कैनवस रखे हुए दिख जाएंगे, यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी रखी हुई है स्कल्पचर के अंदर जो इस्तेमाल होती है, तो आपको पता लग जाएगा कि बस ये सामने शॉप आ गई है और इससे आप जो भी चाहे वो ख़रीद सकते हैं। तमाम कलर्स, एक्रेलिक हों या ऑयल पेंट्स हों, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर किस्म की शीट्स अवेलेबल हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक किया करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ साथ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके पार्ट 3 में कौन सी जगह की शॉप देखना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।